Space stuff in the air. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान रज़ा है और आप ज़िशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, सियालकोट में दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है और सफाक मुज़म्मा ने दूसरी हमला खातून को बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया अपनी बेऔलाद बेटी के लिए। बेऔलाद बेटी के लिए जो है वो ना सिर्फ सफाक मुज़म्मा ने कत्ल किया बल्कि जो है वो उसकी लाश संदूक में जो है वो छुपा दी और पेट चाक किया। पेट चाक करने के बाद बच्चा निकाला। बच्चा निकालने के बाद जो है उसे अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान बच्चा भी रास्ते में दम तोड़ गया और बच्चे की जो लाश है उसे कब्रिस्तान में जो है वो दफना दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया और पुलिस ने तमाम जो ये सफाक खवातीन हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश जो है वो इंकशाफात जो है वो दिल दहला देने वाले इंकशाफात हैं। सारे मामले पर बात करेंगे और ये अपनी नौयत का पहला वाकया जो है वो मैंने देखा है। 15 साल अपने कैरियर में मैंने क्राइम बीट मेरे पास थी, मैंने क्राइम की बहुत सारी न्यूज देते थे हम लोग, लेकिन मैंने अपने 15 साल कैरियर में ऐसा पहला वाकया जो है वो देखा है और अफसोस लजा खेज जो है ये वारदात सामने आई है और तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ में जो है वो वीडियो की आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, सियालकोट का ये नवाही इलाका है जहाँ पर जो है ये कत्ल की लजा खेज वारदात सामने आई है और ये ऐसा अपनी नौयत का पहला मैंने ये वाकया देखा है। मुलजमा जो है उसने अपनी बेऔलाद बेटी के लिए अताई डॉक्टर के साथ मिलकर जो है वो ये मकतूला राफिया है जो वहाँ इलाज के लिए पहुंची अताई डॉक्टर के पास और वहां पर अताई डॉक्टर और मुलजमा ने मिलकर जो है वो नशे वाली जो दवाइयां हैं अद्वियात हैं वो दी। जूस में मिलाकर मकतूला बेहोश हो गई और इस दौरान जो है वो कत्ल किया गया। मकतूला को राफिया को कत्ल किया गया, ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि पेट चाक करके बच्चा निकाल लिया गया। बच्चा जो है उसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, इस दौरान बच्चा जो है वो दम तोड़ गया। बच्चे की लाश को कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया, वहां पे दफनाया गया। बच्चे को दफनाने के बाद जो मकतूला है उसकी लाश को संदूक में बंद करवाया गया मोहल्ले के लड़कों की मदद से। आप ये सोचिए कि इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा और इतना खौफनाक प्लान कि लड़कों की मदद से लाश को संदूक में जो है उसे बंद किया गया और फिर वो जो लाश है संदूक है जिस संदूक में लाश थी उसे मुलजमा ने अपने घर मुंतकिल करवाया। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। ऐसा ही कुछ हुआ है सियालकोट में जहां पुलिस ने जो है वो फिर कार्रवाई की और यहाँ मैं कहता हूँ कि पुलिस ने बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे हम जितना जो है वो उन्हें सराहें पुलिस को उतना शायद कम होगा कि पुलिस ने तमाम इस केस में जुड़े जो मुलजमान हैं ज़राए के मुताबिक वो तमाम मुलजमान जो मरकजी मुलजमान थे यानी मरकजी मुलजमा थी जो इसमें खवातीन थी इसमें मुलविस जो थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और दौरान तफ्तीश जो है ये तमाम इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं कि किस तरह से ये सफाक जो मुलजमा है इसने अताई डॉक्टर के साथ मिलकर जो है ये कत्ल की जो है वो लरसा खेज वारदात जो है वो की है। और ये अपनी नौयत का पहला वाकया सामने आया जहाँ पर ये बेऔलाद इसने अपनी बेटी के लिए ये इतना बड़ा खतरनाक कदम उठाया कि एक दो जाने दो मासूम जाने एक बेचारी मकतूला के साथ जुर्म किया गया फिर मासूम बच्चे को इसने मारा, दो इंसानी जानों को इसने लिया। नाज़रीन, आजकल पहले कुछ यूँ होता था कि जुर्म में ज़्यादातर मर्द इन्वॉल्व होते थे लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं हर कहीं सिर्फ हमारे यहाँ तो पहला वाकया इस तरह का सामने आया पूरी दुनिया में। एक मतलब कुछ चंद रोज़ पहले एक वाकया मतलब उसमें वाकया तो कुछ अर्सा पहले का है लेकिन उसमें उसमें तफ्तीश हो रही थी तो उस पर तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मैं बात कर रहा हूँ ये वाकया जो है वो लंदन में पेश आया। ल्यूसी नाम की नर्स थी जिसने सीरियल किलर थी और इसने जो है वो इतने मासूम बच्चे थे उनकी जाने ली। तो बात करने का मकसद ये है कि जो सियालकोट में वाकया सामने आया है
आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसा हौलनाक वाकया जिसमें किस तरह से जो है इस खातून ने जो है वो प्लान किया, इस मुलजमा ने अताई डॉक्टर के साथ, और फिर बदकिस्मत वहाँ पे मकतूला जो है वो पहुँचती है और उसे ये फिर अपने उस टारगेट यानी जो इन्होंने किया हुआ था उसका उन्होंने निशाना बनाया और उसे जो है इन्होंने बेहोश किया, मर्डर किया। बेहोश करने के बाद, उसे कत्ल करने के बाद उसका पेट चाक करते हैं और पेट चाक करने के बाद उसमें से बच्चा जो है उसे निकाल लिया जाता है। बच्चा जो है वो रास्ते में दम तोड़ गया। उसे जो हाँ अब यहाँ पे जो है मैं आपको बता चलूँ जो अपडेट्स हैं, बच्चा जो बच्चे की जो लाश है वो रिकवर कर ली गई है, खातून की जो लाश है वो भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने तमाम जो ज़रूरी कार्रवाई है वो इसमें उसे मुकम्मल कर लिया है। जो तमाम इसमें हर किस्म के जो इस केस से जो जुड़े जो पहलू थे उन्हें मतलब जो है वो तमाम इन्वेस्टिगेशंस को जो है वो कंप्लीट किया गया है। यकीन करें कि मैं तो जब मैंने ये सुना तो मैं तो हैरान था। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसमें ज़रूरत इस वक्त क्या है कि कुछ थोड़ा आप लोग भी कॉपरेट करें यार, ये अताई डॉक्टर्स के पास ना जाया करें, चाहे वो मेल है या फीमेल है, इनके पास जो है वो जा ना जाए। देखें मैं ये नहीं कहता कि अताई डॉक्टर ने इस तरह किया है मिलके, तो शायद अताई डॉक्टर इस तरह होते हैं, दूसरे डॉक्टर्स नहीं हो सकते, लेकिन देखें तालीम का शऊर का बड़ा फ़र्क होता है। एक जो सही MBBS डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, वो इस तरह नहीं कर सकती। जो तालीम इंसान को शऊर देता है। बहुत दिल दुखा है ये वाकया जो है वो, जब मैं तमाम तफसीलात मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये खबर जो है वो बड़ी अहम खबर है आपके साथ शेयर करूँ। ट्रस्ट मत करें किसी को, जब आप लोग ट्रस्ट करते हैं ना, अंधा यकीन मत करें किसी को कि वो तो जी खवातीन है, वो तो औरत है जिसके पास हम जा रहे हैं, उसने क्या कहना है। यार वो दौर पुराना था जब सिर्फ मर्द ही क्राइम में इन्वॉल्व होते थे, अब खवातीन भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं। सब बड़ी रेशो है, बड़ी तादाद में खवातीन जो हैं वो ड्रग सेलर हैं, खवातीन मर्डर कर रही हैं, खवातीन जो है वो अगवा कर रही हैं, किडनैपिंग में मुलव्वस हैं। जब आप ये सोचते हैं ना नहीं ये तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता, ये तो हम इस औरत को जानते हैं, ये तो बड़ी या ये एजेंट औरत है, ये तो क्या एजेंट होने से क्या हो जाता है, क्या वो उसकी जो क्रिमिनल सोच है। देखिए लालच, याद रखें लालच, और जो एक इसमें इस केस में देखा एक लालच, दूसरा लालच मतलब था कि मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूं, ये मोहब्बत नहीं है, इसे मोहब्बत नहीं आप कह सकते, सफाक है, क्रिमिनल सोच है। जब आपके अंदर क्रिमिनल सोच होती है ना तो फिर आप बहुत कुछ करते हो, मतलब जो आपका दिल चाहता है, आपके जब आपके जहन में कुछ गलत चल रहा होता है, हर वक्त गलत सोच होती है आपकी, क्रिमिनल माइंड जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह सिर्फ मर्दों में नहीं पाया जाता ये जहन, खवातीन में भी आजकल बहुत ज्यादा है। तो इसलिए किसी पर ट्रस्ट मत करें, अपनी एहतियात रखें, यकीन करें कि ये जो वाकया है ये दिल दहला देने वाला वाकया है। आज तक इस तरह का पहले कभी भी कहीं भी हमारे यहाँ यहाँ कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह इस केस से जुड़ी मजीद जो अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। फिलवक्त के लिए मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए हम आपके साथ जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।